त्रायसो भजगन्नाथ गुरु हो संसार बन्हिना दग्धमां काल दष्टंश्च त्वामहं शरणं गतः। हे श्री गुरु ज्ञान दीन बंधु स्वानंद दात करुणैक सिंधु वृंदावनासिन हितावतारो प्रसीद राधा प्रणयो प्रचारो प्रसीद राधा प्रणयो प्रचारो। परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणा बारिधि विश्वव्यापी श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्यवर्य नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभवशील पुरी गोस्वामी महाराजंकर अशोक अभय श्रीचरण कमल रे ए दासाधमर अनंत साष्टांग दंडवत प्रणिपात पूर्वक तांकरे अहेतुक कृपा भिक्षा करूअछि। एवं एहापरे अस्मदीय गुरुपाद पद्म शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद राजेन्द्र दास प्रभुंकर अशोक अभय श्रीचरण कमलरे ए दासाधमर अनंत कोटि प्रणाम। रूपानुग गौड़ी आचार्य वृंद सुधी भक्तवृंद समस्तंक चरणरे ए अधमर यथाजथ पुनः प्रणाम जनाऊँ। प्रिय आत्मन गत अध्याय आम श्रवण करुले जे आत्मदेव काहीकि गृह छाड़ी चली जाइले संसार वैराग्य हो से घर छाड़ी चली जाऊँगी केवल ही केवल संसार वैरागी निमित्त नुह पुत्र उत्पादन करी से जीवन जापन करने चाहूले किंतु दैवात तांकर कौनसी प्रकार विधि विधान से निजको धिक करी कहुचंती जे कौन हेब ये जीवन धारण कले बिना पुत्र बिना जीवन व्यर्थ ही धिक जीवन प्रजाहीन धिक गृह च प्रजा बिना धिक धन च अनगपत्य धिक कूलं संतति विना समस्त प्रकार कूल निजर धर्म निजर प्रजाहीन निजर गृह निजर धन आदि को धिक बोली सतधिक करुचंती। एवं यहाँ ब्राह्मण को से कहउचंती ब्राह्मण को कही कहउचंती से ब्राह्मण देवता सन्यासी को कहउचंती पल्ले तेजामयाधेनु साबंद्या सर्वता भवे जो मया रोपितं वृक्षं सोपि बंद्यतुमाश्रय। हे सन्यासी देखंतु मो प्रति विधिर विधान केते बड़ विचित्र कथा जे मु निजर संतान पाइबा पई अत्यंत प्रकार दुख प्रकाश करुची तापरे मध्य विधि विधान भगवान मते संतान प्रदान कले जदि मते संतान प्रदान कले तो मोर गोटे घरे गृहपालित पशु बा गाई को रखी गोमाता सेवा करूली बाल्य काल गोमाता सेवा कर किंतु से गोमाता आज पर्यंत कौन सी संतान ही ना अर्थात से गोमाता शेषे बंदिया हो जाती। समस्ते भावंती जे गोमातांकर सेतेबेले उज्जवल भविष्यत हुए जेतेबेले तांको क्रोडरे क्रोडमंडित करिवा पई एक संतान उत्पन्न हुवंती अर्थात से गोमाता बंदिया पालटी जाइचंती अतव एथि निमित्त मध्य से अत्यंत दुख होई जाइचंती। पाल्यते जो मया धेनु सा बंदिया सर्वता भवे से गाई जहां मु रखिताउची सेगुड़िक मध्य बंदिया हो जाउचंती एवं निजर तो संतान नाही एवं गोमातांकर मध्य कौनसी प्रकार संतान नाही। यहाँ मध्य गोटे आश्चर्यर कथा जो मायरा रोपितं वृक्षं सो अपि बंद्या तुमाश्रयेत
एवं मो द्वारा जो वृक्ष रोपण करुच्ची जो वृक्ष को रोपण कर निजे जीवन जापन कराइवाई परिपुष्ट कराइवाई जहा सबू दरकार आवश्यक पदार्थ देवापर से वृक्ष गुड़िक रुहतनी से माने जीवन धारण करती सत किंतु से मानते कौन सी प्रकार फल देखा जाए ना अर्थात पुष्प देखा जाए ना अर्थात से वृक्ष माने शेष बंदिया पलटी जाते मु जहा रखी था पशु बा गोमाता एवं वृक्ष आदि फल समस्ते निजर संतान बंदिया पलटी जाते यह तो सतरे दुखर कथा नुहे तो आउ कौन हवा एथनिमित्त बहुत दुख करती एत समय सन्यासी देवता कहते हे ब्राह्मण आत्मदेव तुम्हें शुण कौन सी प्रकार तुम्हें व्यथित हुआ कारण संतान निमित्त अंगराजा एवं सगर राजा को अत्यंत दुख भाग करने को पड़ता जेभि कि अंगराजा निज पुत्र बेणु को जन्म कले जन्म होगापर से निजे बहुत अत्यंत दुख प्रकाश कले परिशेष अंगराजा सुंदर भाव भगवान को प्रार्थना करुले जे पुत्र संतान होगा दरकार किंतु परिशेष दुख भोगापर से जापारे सतरे विधि विधान ठीक थिला मोपाई किंतु पुत्र संतान पाइबा दुखर मात्रा आहुरी बढ़ीगला अते कहा जाए पुत्र बिना जीवन वृथा किंतु एठारे प्रमाण मिलुची जे अंगराजा सगर राजा भली राजा माने पुत्र निमित्त अत्यंत दुख प्राप्ति होते अते पूर्व काल रु ही एही कथा रही वर्तमान तुम्बे कुटुंब आशा छाड़ी दियो यह कहवापर से ब्राह्मण देवता अत्यंत भाव कोपित हो दुख प्रकाश करुटुंब आशा छाड़ी जाओ जितेबले कहीदि सन्यास ही सकल प्रकार सुकर निहित गंथास्थल अर्थात सन्यासे सर्वता सुखम जति कहते सन्यासी देवता कहते तुम्हें घर परित्याग कर सन्यासी ग्रहण कर जहाँ फल तुम निश्चित भाव समस्त प्रकार दुख दूरभूत एवं से कहीं दुख माया संसार रे पड़ी यह कहवापर से जति आदेश क्रमे मन मध्य कौन सी प्रकार से संसार भवबंधन रु मुक्त होगापी कौन सी प्रकार इच्छा है ना तापर मध्य से एक जिद्रे एक स्वर से उद्घोष दे कहते ना आवश्यक मत से ही संतान एहीबली समस्त प्रकार अनेक बुझाइबा परे मध्य परमहंस सेव्य मार्ग देखाइले मध्य ब्राह्मण जनक कौनसी प्रकार रे मध्य राजी हेले नाही एवं जिद्दी छाड़ीबा पाई मध्य इच्छा प्रकाश कले नाही ए नै ताहाले सेठारे जंती महाराज अत्यंत प्रकार सुंदर ज्ञान मध्य प्रदान करिचंती मुंच ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मण गति विवेके तु समासाद्य त्यज संसार वासना सेठारे सन्यासी ब्राह्मण को कहुचंती हे आत्मदेव मुंच ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणागति हे ब्राह्मण तुम्हें परित्याग कर जो माया बंधन रे पड़ी तुम्हें नित्य ज्ञान भावच जहाँ को संसार को से संसार नित्य नुहे आजीर संसार काली को अनित्य अर्थात आज तो जो मैंने तुम्हें अच्छा जो मैंने दुख करती काली की हुए तो से परिवर्तन हो जापारती बलिष्ठा कर्मण गति गति कर्म कर्मर गति यही जो मैंने आज तुम निजन होती काली को से हुए तो आपणकर शत्रु हो पारती एवं जो मैंने आज आप शत्रुता आचरण करे तो काली आपण से मित्र पलटी जापारती अर्थात एठारे बलिष्ठा कर्मण गति कहते जा अर्थ है कर्मर गति सहजरे जानी हेबो नाही ए कर्मण गति कौन बा सेमित्त अत्यंत भाव तुम यही ज्ञान को परित्याग पूर्वक बेक हेतु समासाद्य त्यज संसार वासना संसार वासना को परित्याग कर एवं यही संसार वासना को परित्याग करने निश्चित भाव तुम्हें निश्चित मन
प्राण एवं आत्मा द्वारा सबु स्थान रे आनंद नहीं आनंद पाइब। अतएव यही ज्ञान रु तुम वंचित हो जाओ जहाँकि तुमको भव संसार रो मुक्ति कराइदेव। एवं यहाँ आहुरी कहुचंदी मध्य तस्याग्रह समालक्य फलमेकं सदतवान् इदं भक्षय पत्न्यात्वं तत्पुत्र भविष्यति। ब्राह्मण जेतेबेले अत्यंत भावरे जिदि धरिले निजर कथारु ओहरिबा पई इच्छा प्रकाश कले नाही एवं परिशेषरे ब्राह्मण कहिले यदि आपण कौनसी प्रकार मध्य यदि संतान प्रदान न करती ताहले मोर जीवन को विसर्जन करदेवी अर्थात मोर प्राण परित्याग करदेवी। से ठारे से सन्यासी विचार कले ए बिचरा ब्राह्मण को कौन बा कहिबी ताकु केते कहिले मध्य से ताहा ग्रहण करूना। अते एठारे तांकु सेठारे से जने फल प्रदान कले से सन्यासी फल प्रदान करिबा परे से फल को दे तांकु कहिले तस्याग्रहं समालक्य फलं मेकं सदतवान् इदं भक्षय पत्न्यात्वं ततः पुत्र भविष्यति। हे आत्मदेव एई फलटिकु रख तुम पाखकु नै ए फलकु दे तुम पत्नी को दियो एवं पत्नी एही फलकु खाइबा परे से गर्भवती हेबे एवं तांकर संतान निश्चित हेबो। एहा कहिबा परे से किभली भावरे फल को नेले एवं फल नहीं किभली भावरे तांको पत्नी दुंदुली को दे सेठारे तांकर कौन बा घटिला ताहा आमे विचार करिबा आगामी पर्याय रे। आज तो समय हो जाइछि आज पाई एतिकि बोल भागवत महापुराण की जय। केमिति रहिबो 2022 रे आपणंक भाग्य केउ राशि रे रहिबो समस्या आउ किए हेबे लाभवान। केमिति रहिबो मेष राशि ठारु मीन राशि पर्यंत आपणंक भाग्य जानिबा पई देखंतु आम कार्यक्रम 2022 भाग्य फल 2022 भाग्य फल केवल डीटीपी ओडिया रे। नमस्कार देश विदेश रो खबर सहित आपन मानको स्वागत करू छी मो अनि। दर्शक बंधु भारत सहित चीन रो सीमा विवाद, अफगानिस्तान उपरे तालिबान रो कब्जा, अमेरिका भारत जापान रूस सहित संपर्क वृद्धि, एही बळे किछि देश विदेश रो खबर सहित मो आसुची आपन मानको पखको। आपण माने अमर एही देश विदेश रो खबर को देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं अन्य मानको सहित शेयर निश्चय करंतु। डीटीपी ओडिया देखिबा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।